व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यूज़ वेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज लाता रहता हूँ पूरे टू वर्ल्ड से। गाइस, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एल्विश यादव के बारे में। सो एल्विश यादव ने अपनी लेटेस्ट वीडियो MLM के ऊपर अपलोड करी थी, एंड जो लोग MLM में काम करते हैं, इस वीडियो के रिलीज होने के बाद एल्विश यादव के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए थे। सो इसके ऊपर एल्विश यादव ने रिएक्ट करते हुए क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। इन MLM वालों को देख लो, जो एकदम से टूट के आए हैं, अब बहन चो तो काम कर लो, नौकरी कर लो। मैसेज यार मेरे पास, भाई लड़का कौन है जो तुम्हें गाली दे रहा है? लड़का नहीं है वो यार, लड़का नहीं है। मैं भी पहले ही सोच रहा था कि लड़का, पर लड़का नहीं है भाई वो। और चलो क्या ही बोले, चल। और जितने भी MLM वाले भाई बहन मेरे से नाराज हैं कि तुमने ये करा है, हमारे ऊपर ये बोला है तुम्हारे। अरे भाई, जब तुम्हारे साथ हो जाएगी ना, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी तुम बड़े हो इसमें, थोड़ा टाइम रुक जाओ, हो जाएगी जब तुम्हारे साथ, जब तुम ही कहोगे भाई सही कह रहे थे यार। देखो यार, सीधा बताता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी MLM कंपनी से, वेस्टीज हो गई कोई और भी कंपनी हो, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं। रही दूसरी बात, अगर तुम मेरे दरवाजे पे अगर कुछ बेचने आ गए ना, वाइपर धरे हमारे, लट धरे, और भाई एक लट तो ऐसा रखा उसमें तार तूर लपेट रखे। अरे मजाक कर रहा यार, तुम तो दिल पे ले लेते हो, नीचे मत आना स्टोरी के, यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही। भाई देखो यार, मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है किसी वेस्टीज कंपनी से, या फिर उनके जो काम करते हैं, जो सामान, वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। बट समझ रहे हो ना तुम मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई तुम अगर मेरे घर पे आओगे, मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा, क्योंकि थके हारे आओगे इतनी दूर से चल फिर के। तो मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें पैसा कमाना, सबको कमाना पैसा, बट धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी तुमको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, कह रहा हूँ ऐसे तो रुक जाओ, तुम्हारा मन करे रुक जाना, ना करे तो मत रुक। और भाई जिसमें ज्यादा जोश चढ़ रहा हूँ ना, जाके गूगल कर लेना कि क्या ये लीगल है इंडिया में। मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, बाकी तुम भी गूगल कर लेना, इस MLM लीगल इन इंडिया, आंसर मिल जाएगा तुम। सो गाइस, अगर आपने एल्विश यादव की लेटेस्ट रोस्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। एंड उनकी कॉमेडी स्केच वीडियो जिसका टाइटल है मर्द, वो भी रिलीज हो चुकी है। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, येस्टरडे मॉर्निंग यूट्यूब की तरफ से एक मेजर अपडेट आया है सभी यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो सभी यूट्यूबर्स को येस्टरडे मॉर्निंग यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब आपकी यूट्यूब इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। नाउ लेट मी टेल यू द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी वीडियोस पे जितनी भी इनकम आ रही है उसमें से यूट्यूब 15% कट कर लेगा। अब वो 15% भी तब कट होंगे जब आपके वीडियोस पे व्यूज US, दैट मींस अमेरिका से आ रहे हो, और अमेरिकन व्यूज का 15% इनकम ही कट होगा। दैट मींस अमेरिकन व्यूज से जितना भी इनकम आपके चैनल को हुआ उसी का 15% कट होगा। एंड टैक्स की डिटेल्स फिल करने की लास्ट डेट है 31 मई, एंड अगर आप 31 मई तक भी इन फॉर्म्स को फिल नहीं कर पाते हैं तो आपके इनकम का 24% कट हो जाएगा एवरी मंथ। सो अगर आप अपनी यूट्यूब इनकम का 24% यूट्यूब को टैक्स में नहीं देना चाहते हैं, सो गो एंड फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज गाइस। जानवी कपूर, राजकुमार राव एंड वरुण शर्मा की अपकमिंग मूवी रिलीज होने वाली है टाइटल रूही, एंड इस मूवी के प्रमोशन के लिए उन्होंने आशीष चंचलानी के साथ एक कोलैब वीडियो अपलोड किया है। बट ये वीडियो आशीष चंचलानी के चैनल पर रिलीज नहीं हुई है, रादर देन ये वीडियो कुणाल छाबड़िया के चैनल पर रिलीज हुई है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा मैंने अनुपम राजपूत की कंट्रोवर्सी कवर करी थी, बट रिसेंटली अनुपम राजपूत ने अपने इंस्टा स्टोरी में पोस्ट करते हुए ये कहा कि अब होगी ओरिजिनल कंट्रोवर्सी, अभी तक तो ट्रेलर्स थे। एंड इस पोस्ट के ऊपर हु केयर्स ने अनुपम राजपूत को ट्रोल करते हुए क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। अनुपम राजपूत भैया, थोड़ा संभल के रहना, ठीक है ना? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो बहुत प्यार से अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, मैं आपको रोस्ट वोस्ट नहीं करूंगा, बट मीमर वीमर बैठे होंगे एकदम रेडी, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन जहां आप कुछ कर दोगे एकदम से भगते हुए आएंगे, पता है एकदम। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज गाइस। मैंने पहले कवर किया था कि गरीब कुछ दिनों के लिए स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको जॉन्डिस हो गया था एंड ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सो इसके ऊपर आज गरीब ने अपडेट देते हुए क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ, नॉट रियली वेल, डिस्चार्ज हो गया हूँ, बट बॉडी इज स्टिल वीक, होप जल्दी ठीक हो जाए सब एंड मैं काम पर वापस आ सकूँ। ABD सॉरी कांट रिप्लाई टू द DMs। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, कैप्टन इंडिया ने अपनी अपकमिंग वीडियो के ऊपर एक रिस्की अपडेट देते हुए क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। दिस नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, आई एम वेरी डाइसी अबाउट रिलीजिंग इट, इफ आई डोंट फ्रेम इट राइट इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मी
both on YouTube and in real life as well. I might be directly sabotaging someone's career, so if not done with proper intent, it can be very harmful. I just want to be very sure with this entire structure of the video. This might be the most impactful video of mine or can be the worst. Thought of this video is stressing me. Give me a few more days. Let's jump to next news. Guys, as you people know, Jake Paul vs Ben Askren ki fight April 17th ko Mercedes-Benz Stadium mein hone wali hai. And isi fight ke regarding, UFC President Dana White ne ek recent interview mein Mike Tyson se ye kaha ki main $1 million ki bet laga sakta hoon ki Jake Paul Ben Askren se haar jayega. And iske upar Jake Paul ne react karte hue kya kaha, chaliye dekh lete hain. All right. Five people sent me this in like the past 5 seconds. Let's be honest. Jake Paul isn't a fucking boxer. Dana, he's a great fighter. He be working hard. I watch him. Mike got my back. This is gonna be an interesting test. Yeah, but it's different though. You're saying he can fight? Yes. Yeah? He got hands. I'll bet $1 million that he loses this fucking fight. Oh! Let's fucking go! That shit baby, go crazy. I'm gonna now. The door's getting dead. Hey, double it up! I've got चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं फ्रेंड्स. रिसेंटली रिपब्लिक वर्ल्ड ने फ्लाइंग बीस्ट के तीनों यूट्यूब चैनल से जितनी इनकम आती है वो रिवील करी है. लेट्स चेक इट आउट. गौरव तनेजा's सैलरी फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस इज एस्टिमेटेड टू बी एट अराउंड $26,000 पर मंथ विच इज क्लोज टू 19 लाख. अपार्ट फ्रॉम हिज फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल ही ऑल्सो हैज टू मोर यूट्यूब चैनल्स, फिट मसल टीवी एंड रसपरी के पापा. फ्रॉम ऑल थ्री यूट्यूब चैनल्स एंड वेरियस स्पॉन्सरशिप्स ऑन दैम, गौरव तनेजा's इनकम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन $30,000 एवरी मंथ विच इज क्लोज टू 22 लाख्स. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज. गाइस, मैं बात करने वाला हूँ NSB पिक्चर्स के बारे में. एंड इस चैनल पे अडोबी ने 6 कॉपीराइट स्ट्राइक मारी हैं. एंड यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देगा. एंड 6 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के ऊपर NSB पिक्चर्स ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं. Hi Adobe, @IncorPro, my channel NSB Pictures received 6 copyright strikes. As for YouTube terms, if any channel has more than 2 strikes, then the channel will be deleted in next 7 days. So it's a request from Adobe team to help me to get back my account. #NSBPictures, #HelpNSBPictures. हमारा YouTube channel delete होने वाला है next 6 days में, क्योंकि उस पर बहुत सारी strike आ चुके हैं Adobe की तरफ से. और वो शायद इसलिए कि हम Lightroom यूज़ करते हैं. जो भी रीज़न है पता नहीं, Adobe से बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी, रिप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन एक तरीका आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया है, उसको आप रीट्वीट कर सकते हो एंड उसमें हैशटैग ये यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ. एंड इन इन अकाउंट्स को आप टैग कर सकते हो. तो अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ जाके ट्वीट करो, और अगर आपका नहीं अकाउंट तो नया अकाउंट बनाओ, ट्वीट करो, प्लीज़ हेल्प यार. क्योंकि यही एक तरीका जिससे हमारा चैनल वापस आ सकता है, वरना 5-6 दिन के बाद हमारा चैनल वापस नहीं आएगा एंड NSB पिक्चर्स हमेशा के लिए चैनल चला जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प करो तो प्लीज़ प्लीज़ स्वाइप अप एंड इस ट्वीट को रीट्वीट करो. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं. गाइस, ट्रिगर्ड इंसान की नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो रिलीज हुई है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं. चलिए गाइस, अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं. भारत किचन हिंदी के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं. पूजा चक्रवर्ती ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन. सुदीश कुटीकल को मिल चुका उनका सिल्वर पे बटन. आफ्रोज किचन ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन. एंड फाइनली ज्ञान सहारा को भी मिल चुका उनका सिल्वर पे बटन. माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. गाइस, जो मुझे न्यूज भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जो मुझे पहले न्यूज भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं. सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए. एंड ऐसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.